नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं होम्योपैथी की एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन नक्स वोमिका के बारे में बात करने वाली हूँ। दोस्तों, मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण हमारे शरीर में जो चेंजेस आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनको नक्स वोमिका बहुत अच्छे से डील करती है। और दूसरा एक चीज़ और है, यदि किसी भी चीज़ की ओवरडोजिंग हुई है, चाहे वो कोई स्टिमुलेंट हो, मीन्स कॉफ़ी हो, चाय हो, अल्कोहल हो, या फिर आपने किसी दवाई की ओवरडोजिंग ले ली है, या कोई खाना का आइटम ही ज़्यादा खा लिया है, तो नक्स वोमिका देने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। तो आज मैं होम्योपैथी में की जो मेडिसिन है नक्स वोमिका, उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करूंगी, उसके सारे सिम्टम्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। यदि आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो यू कैन टेक दिस मेडिसिन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नक्स वोमिका मॉडर्न लाइफस्टाइल पे बहुत अच्छे से वर्क करती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, जो मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, जो प्रॉपर सोते नहीं हैं, टाइम पे सोते नहीं हैं, टाइम पे खाते नहीं हैं, या हेल्दी डाइट नहीं लेते खाने में, या उनको बहुत मेंटल स्ट्रेस होता है, ये जो ग्रुप है, ये स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई जॉब करने वाला भी हो सकता है, कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, इवन कोई लॉयर भी हो सकता है, कोई भी वर्क प्रोफाइल हो सकता है। तो यदि ये लोग रात में लेट सोते हैं, यदि नींद नहीं आती है, उसके लिए यदि स्टिमुलेंट लेते हैं, स्ट्रेस कम करने के लिए स्टिमुलेंट लेते हैं, चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, या फिर अल्कोहल या कोई और ड्रग भी यूज़ करते हैं, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, इस पे नक्स वोमिका का बहुत अच्छा है। इसके मेंटल सिम्टम्स बहुत मार्क्ड होते हैं, पेशेंट बहुत इरिटेबल होता है, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, और उसको कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑडोर है या बहुत तेज आवाज़ है या लाइट है, उसको बिल्कुल सहन नहीं होती है। दोस्तों, नक्स वोमिका एक पॉलिक एसिड रेमेडी है, इसलिए ये मेंटल सिम्टम्स के साथ शरीर के और भी हिस्से पे बहुत अच्छे से काम करती है। तो शरीर के किसी भी हिस्से पे यदि उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण, मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण यदि कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो नक्स वोमिका अपने अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों, पेशेंट की सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण सबसे ज़्यादा असर उसका जीआईटी पे पड़ता है, मतलब आहार नाल से संबंधित बीमारियां उसको हो जाती हैं। और नक्स वोमिका के पेशेंट में सारे सिम्टम्स, मतलब कॉमनली सारे सिम्टम्स उसको खाना खाने के बाद शुरू होते हैं। उसको बहुत फूडी होता है, वो खाना में बहुत स्पाइसी चीज़ें खा लेता है, जिससे कहा उसका पेट उसको बहुत फूला फूला लगता है, उसके पेट में सेंसिटिव टू टच होता है, मतलब उसका पेट बहुत दर्द करता है, ब्लॉटेड एब्डोमेन, डिस्टेंडेड एब्डोमेन हो जाता है उसका, और पेशेंट को मोशन भी क्लियर नहीं होते हैं। उसको एक बार मोशन जाने के बाद ये लगता है कि जो स्टूल है वो क्लियर नहीं हुआ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, इसलिए वो एक दो बार 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 जाता है। पेशेंट को कब्जियत के साथ साथ जब हार्ड स्टूल आना शुरू हो जाते हैं, तो उसको हेमराइड्स या पाइल्स की शिकायत भी दोस्तों हो जाती है, और उसको एनल रीजन में इचिंग होने लगता है। इसमें पेशेंट को लगता है कि यदि वो टोबैको ले लेगा या स्मोक कर लेगा तो उसका मोशन क्लियर हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है, उसकी स्टिमुलेंट की डिज़ायर बढ़ती जाती है। और इसमें साथ में पेशेंट को छाती में जलन भी होती है, और उसको एसिडिटी की समस्या भी हो जाती है। अब मैं इसके हेडेक की बात करूंगी। पेशेंट बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड होता है, इसके कारण उसका हेडेक शुरू हो जाता है, और लाइट से, नॉइज से, और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से उस पेशेंट का, क्योंकि वो बहुत ओवर सेंसिटिव होता है हर चीज़ के लिए, तो उसका हेडेक बढ़ जाता है। उसका हेडेक मेनली फ्रॉन्टल से शुरू होता है, फिर पूरे हेड में स्प्रेड हो जाता है, और पेशेंट को स्टिमुलेंट की डिज़ायर होती है, तो उसको थोड़ा सा इंटॉक्सिकेटेड भी फील होता है हेडेक के साथ साथ। स्लीप में पेशेंट को बहुत रात तक नींद नहीं आती है, वो जागता रहता है, उसके दिमाग में विचार चलते रहते हैं, और उसको यदि नींद लग भी जाए तो उसकी नींद डिस्टर्ब रहती है। हाँ, पर उसको खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राउजी फील होता है। अब इसके माउथ की बात करें तो पेशेंट को जो उसका जॉ है, जो जबड़ा है, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड फील होता है, उसको लगता है कि उसको चबाने में दिक्कत जा रही है, उसको अपने अंदर, मुंह के अंदर उसको बहुत ड्राइनेस फील होती है, उसको गले में भी कसा कसा महसूस होता है, और उसको अंदर छाले होने की भी समस्या हो जाती है। अब मैं बात करूँगी कमर दर्द की। जब सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण पेशेंट एक्सरसाइज नहीं करता, बहुत देर तक बैठे बैठे काम करता रहता है, तो उसके लोअर बैक में दर्द शुरू हो जाता है, और दर्द के पहले उसको जकड़न की समस्या होती है, उसको ऐसा लगता है कि उसका जो कमर वाला हिस्सा है वो अच्छे से स्ट्रेच नहीं हो पा रहा है, उसको वहाँ पर धीरे धीरे पेन होना शुरू हो जाता है, और जब पेशेंट रात में आराम भी करता है तो भी वो करवट भी नहीं ले पाता है। दोस्तों, ये बहुत ही प्री सिम्टम्स होते हैं स्लिप डिस्क के,
और धीरे धीरे जब ये समस्या बढ़ती जाती है तो पेशेंट को पैरों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, उसको झुनझुनी आ सकती है। यहाँ पर अब मैं इसके जनरल मॉडलिटीज़ की बात करूँगी। दोस्तों, नक्स वोमिका के केस में पेशेंट बहुत ओवर सेंसिटिव होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है, नॉइज़ हो रहा है, लाइट है, और इसके कारण पेशेंट की कंप्लेंट बढ़ जाते हैं, या उसकी रात को नींद पूरी नहीं हुई है तो मॉर्निंग में भी तकलीफ बढ़ सकती है। और किसी स्टिमुलेंट को लेने के बाद, चाहे वो चाय हो, कॉफ़ी हो, टोबैको हो या अल्कोहल हो, तो भी उसकी कंप्लेंट बढ़ जाती है। और आराम कब कब मिलता है? यदि उसको हेडेक हो रहा है तो उसको दबाने से आराम मिलेगा, उसको इवनिंग के टाइम पे आराम मिलता है, उसको साइलेंट हो, सब थोड़ा शांत हो, तब उसको आराम मिलता है। तो यदि इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो नक्स वोमिका दे सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नक्स वोमिका एक पॉलिकेस रेमेडी है और ये हमारे शरीर के बहुत सारे हिस्सों पर काम करती है। इसमें से कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की। यदि आपने भी नक्स वोमिका अपनी किसी कंप्लेंट के लिए लिया है और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताइए। तो इन लास्ट, यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, माई चैनल। थैंक यू।